They already had this book. थोड़ा पीछे ना की तरफ से बहुत सारे गिफ्ट्स मिली एंड केक काटे। अभी तक आई थिंक 12-13 केक कट चुके हैं, लगा चुके हैं मेरी फेस पे, इसलिए मैं आज ज़्यादा गोरा दिख रहा हूँ। सो हाँ, बहुत अच्छा रहा पूरा दिन। हाँ, आज एक सिंगल मेरा आने वाला 28 तारीख को, उसका पोस्टर भी आज लॉन्च हो गया है, पार्थ नीति और मैं भी हूँ वीडियो में वरुण शर्मा के साथ। सो बहुत अच्छा दिन रहा मेरा। और आज तो पार्टी, अभी तो काम की बात मेरे परिवार के साथ मैंने रात का जो 12 बजे का टाइम है वो बिताया। एंड आज बहुत सारे कॉल्स आए, शिल्पा जी का, राज सर का, हरमन भैया का। सो इट्स बीन अ ग्रेट डे। मैं एक्चुअली मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मेरा बर्थडे है, बिकॉज आई क्लियरली रिमेंबर दैट मोमेंट जब मैंने पहली बार पलाश को अपने हाथों में लिया था। मैं 3 साल बड़ी हूँ उससे। सो दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल डेज ऑफ माई लाइफ। एंड आज 23 ईयर्स का हो गया है, इतना बड़ा हो गया है। सो बस दुआएं निकलती है मन से कि जितना प्राउड वो पूरी फैमिली को फील करवा रहा है, उससे भी ज़्यादा प्राउड फील करवाता रहे हमेशा। बर्थडे बॉम्ब्स मिले आपको कभी? कुछ मेमोरी शेयर करना? नहीं, मेरे सारे फ्रेंड्स रुके हुए आज अभी देने के लिए। सो आज 23 बर्थडे बॉम्ब्स मिलेंगे। हर साल मिलते हैं मेरे फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह है। सो आज भी मिलेंगे। ओके, बचपन में किस तरह से सेलिब्रेट करते थे? ऐसी कोई कौन सी मेमोरी है, फैमिली के साथ या फिर फ्रेंड्स? मैं अक्सर फैमिली के साथ ही सेलिब्रेट करता हूँ। बाहर जाता था पहले इंडिया के, लेकिन लास्ट 3 इयर्स से मैं फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा बन गए, बहुत स्पेशल लोग आ गए लाइफ में। तो फैमिली के साथ साथ वो कुछ स्पेशल लोगों के साथ भी सेलिब्रेट करते। आपका जो सिंगल लॉन्च होने वाला है उसके बारे में थोड़ा सा हमारी ऑडियंस। ये सिंगल का नाम है फैंस नहीं फ्रेंड्स, जो कि वी आर डेडिकेटिंग अ सॉन्ग टू ऑल आवर फैंस। ये 28 तारीख को आ रहा है। इसमें पारसम था, नीति टेलर और वरुण शर्मा के साथ साथ मैं भी दिखूँगा। एंड अमित मिश्रा, सिद्धार्थ महादेवन और पलक मुछाल ने गाए। एंड 28 तारीख को आ रहा है, होपफुली आप सभी को पसंद आएगा। अगर आप दोनों की आवाज़ में 2 लाइन अगर सुना दे हमारी आवाज़। मैं पलाश को अगर गाने के थ्रू विश करना हो तो यही गाना गाना चाहूँगी। तुम्हें और क्या दूँ मैं दिल के सिवाय, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए। ओके, इसके अलावा एक ऐसी चीज़ मुझे कि हम देख रहे हैं कि आप लोग भी देख रहे होंगे डे बाय डे पेट्रोल के भाव जो बढ़ते जा रहे हैं। यार, मैंने अभी नई गाड़ी ली है और बहुत महंगी गाड़ी है, उसके बाद पेट्रोल के भी दाम बढ़ रहे हैं। सो डीजल है लेकिन बट फिर भी वो असर तो पड़ता ही है। एंड आई डोंट नो, अभी बस महंगी और होते जा रही है कार। सो ऑफकोर्स इट्स नॉट अ गुड थिंग, बट लेट्स सी क्या होता है। आई थिंक एक फ़ेज़ है, इकोनॉमिकली एक फ़ेज़ है जिससे हम गुजर रहे हैं। सो आई थिंक आने वाले दौर में ऑटोमेटिकली, बिकॉज मैं खुद इंटरनेशनल बिजनेस की पढ़ाई कर रही हूँ, सो मेरी इस क्षेत्र में रुचि रही है हमेशा से। सो आई थिंक आने वाले कुछ महीनों में ओवरऑल जब सारी चीज़ों में थोड़ा थोड़ा बदलाव आएगा, सो आई थिंक पेट्रोल के भाव भी कम हो जाएंगे, होपफुली। लेकिन पॉजिटिव। रेस 3 का धमाकेदार ट्रेलर आ चुका है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? आपने ट्रेलर देखा? अगर उसके बाद ऑफकोर्स सलमान सर की कोई भी फिल्म रिलीज़ होती है तो हमारे घर में सेलिब्रेशन जैसा माहौल होता है। बहुत सारी विशेस हैं रेस 3 के लिए। आई एम श्योर कि ये वाली फिल्म भी सलमान सर की हर फिल्म की तरह ब्लॉकबस्टर होने वाली है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। पलाश के साथ और आज के दिन क्या सरप्राइज होने वाला है? हाँ, बिल्कुल, बॉन्डिंग पहले से बहुत अच्छी है। पलाश हमने काफ़ी सोच के साथ में, और सबसे बड़ी बात है कि वो एक इतना अच्छा इंसान भी है, कलाकार तो है बहुत बड़ा वो, और बहुत बड़ा इंसान भी है वो। और आज जब उसने मुझे याद किया और सडनली देखो आज उसका बर्थडे, कल मेरा बर्थडे तो एक दूसरे को विश करेंगे हम। 12 बजे बाद वो मुझे करेगा, फिलहाल मुझे जाके अभी उसको विश करना है। हैप्पी बर्थडे टू मेरे भाई पलाश। हाँ, क्या सरप्राइज़ मिलने वाला है आज पलाश को? अंदर कोई आपकी तरफ से कोई केक होने वाली है? हाँ, सरप्राइज़ एक छोटा सा गिफ्ट लाया, वो खोलेगा तो मज़ा आएगा। उसके लिए गिफ्ट बहुत अच्छा है और वो हर कलाकारों के लिए वो गिफ्ट मायने रखता है, तो उसे मध्य नज़र रख के मैंने सोचा कि ये गिफ्ट उसके लिए बिल्कुल फिट है। और वैसे भी यार आजकल गिफ्ट कोई मायने नहीं रखता, अगर आप किसी को दिल से बुलाते हो, अगर वो कोई दिल से आता है, सबसे बड़ा गिफ्ट वही होता है। तो लव यू मेरे भाई प्लास, माँ कसम कर देना सबको खलास। मतलब वैसे खलास मत करना भाई, मतलब बहुत आगे बढ़ो, तरक्की करो। अभी आप बस जिस जगह पहुँचे हो आप, मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि आप और आगे जाए और आगे जाए, बहुत तरक्की करें, इतनी तरक्की करें कि आपका नाम ऋतिक रोशन हो जाए। अच्छा, कल आपका भी जन्मदिन है, क्या प्लान्स है आपके? कुछ नहीं भाई, मैं तो बहुत छोटा सा प्लान है, मैं मेरे बीवी बच्चे कहीं जाएंगे, कोई अच्छी सी होटल दिखी भाई। अगर पुष्कर तो सुन रहा है तो भाई आना हुआ था मस्ती कर रहा हूँ, बस ऐसी करेंगे। बड़ी बड़ी पार्टी कभी करूँगा, मेरी सालगिरह 25वीं सालगिरह के तब डेफिनेटली करूँगा, आप लोग सबको बुलाऊँगा। लेकिन फ़िलहाल ये छोटा सा कर रहा हूँ, मैं मेरे बीवी बच्चे, बस मैं और मेरी तन्हाई, हम कहीं जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल पलाश की बात करते हैं, मेरी बात तो कल करेंगे यार। माँ कसम, वैसे मैं सिंगर नहीं हूँ, लेकिन मेरे अंदर कुछ सिंगरों के कीड़े, मैं कॉपी करने की आदत है। सुखी बाजी, सुखविंदर सिंह। हाँ, सोची लानी सी मेरा प्यार भूल जाएगी, उन्हें दिल लेके ये करार भूल जाएगी, करार भूल जाएगी। और दिल टूटिया न जुड़े दोबारा। आई लव यू पलाश, हैप्पी बर्थडे टू यू, जन्मदिन मुबारक हो। और एक मेरे फेवरेट एक्टर है नवाजुद्दीन, अगर वो पलाश को विश करेंगे कैसे करेंगे? माँ का, बाप का, दादा का, सबका बर्थडे विश किया, लेकिन आज पहली बार पलाश को बर्थडे विश करने के लिए आया हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू पलाश, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू भाई। कहाँ घर का तो बोलते हो ऑफ कैमरा? अच्छा अभी बोलो। देखिए भैया, जो हाय लालू जो आया अपना, जो दिल का इलाज करने के लिए आया, ठीक है भाई होगा। अरे बहुत ही बढ़िया हॉस्पिटल में आया, बम्बई में आया है ना, तो 100% अच्छा ही होगा भाई। और बिल्कुल वो हरी हरी चीज़ें खाते तो मेरे ख्याल से उनको कुछ होना नहीं चाहिए। बहुत अच्छा चीज़ खाते हो, सबको पता है क्या खाते हो, तो बिल्कुल तो उन्हें तो कोई तकलीफ होगी नहीं, नो कोलेस्ट्रॉल कुछ भी नहीं भाई। पर लेकिन लोग, तुम लोग खाना शुरू मत कर देना, ये उनको हजम होता है, आप लोग हजम नहीं होगा भाई। तो थैंक, मेरी तरफ से लालू जी को बस यही कहूँगा कि लालू जी बहुत जल्द स्वस्थ हो जाए, तंदुरुस्त हो जाए, गेट वेल सून। हाँ ठीक है भैया, पूरा बिहार की तरफ से उनके साथ जो है बधाई है। और हमारा पीएम भी जो है वो भी बधाई दे रहा है। मित्रों, भाई बहनों, लालू जी का स्वास्थ्य अच्छा हो, ये मैं बस दुआ करता हूँ। धन्यवाद। ओके, रेस 3 का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है, कैसा लगा कुछ बताना चाहेंगे सलमान भाईजान? बिल्कुल, भाईजान की जो एंट्री है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सारे लोग उत्सुक हैं इस रेस 3 को देखने के लिए। एक एक को जो किरदार दिए एकदम बिल्कुल हटके दिए। सबसे बड़ी बात है बॉबी देओल बिल्कुल हटके नज़र आ रहे, उसमें जो काफ़ी सालों से हम मिस करें बॉबी देओल साहब को, वो आएंगे। सलमान भाई तो जब भी आएंगे फाड़ देते हैं। और ईद पे फिल्म आ रही तो आप लोग जरूर देखना, रेस 3। रेस काफ़ी अच्छी रेस है। क्या कहना चाहेंगे, आज पलाश का जन्मदिन है, क्या सरप्राइज मिलने वाला है आपकी तरफ से पलाश? अच्छा, उसके जन्मदिन की, मुझे लगा मेरी फिल्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खैर, पलाश बहुत ही टैलेंटेड सिंगर, म्यूज़िक कंपोज़र, और इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा नाम कमाना, तो इतनी बड़ी पार्टी देनी बनती है। सो अंदर जाके भी सरप्राइज तो देखेंगे क्या क्या मिलते हैं, लेकिन आई विश हिम गुड हेल्थ, क्योंकि हेल्थ अच्छी हो तो बाकी सब चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन उसको देख के लगता है उसको ये विश भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हेल्थ ऑलरेडी बहुत अच्छी है। सो भगवान उसकी ऐसी हेल्थ बनाए रखे और ज़्यादा सक्सेसफुल करे। और इतने लोग बुलाए हैं तो मुझे लगता है कि पार्टी सिर्फ आप लोगों की होने वाली है, हम लोग कम पढ़ने वाले हैं। बट पलाश, हैव ए ग्रेट ईयर हैड। थैंक यू। 23 साल के हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं, और अच्छा लगता है जब इतने यंग इंसान, इनफैक्ट हमसे छोटे होकर भी इतना कुछ पा लिया है, इतना कुछ हासिल कर लिया है। सो इट फील्स गुड, सो कंग्रेचुलेशंस टू हिम, हैप्पी बर्थडे। And, yes, yes. तो पलाश कुछ कहना चाहेंगे अपने बर्थडे पर? उसमें हमारा सॉन्ग आ रहा है 28 मई को। जी हाँ, फैंस नहीं फ्रेंड्स। जी हाँ, प्रमोशन ही दो यार, मैं तेरे बर्थडे के लिए आया हूँ यार। अच्छा, बर्थडे के लिए? हाँ, स्ट्रिक्टली। ठीक है, क्या चले, ये तो अभी पता चलेगा बिकॉज ये तो पलाश की शाम है, तो देखेंगे क्या होता है। केक और खाना और बहुत कुछ, डांस वेंस, मस्ती, सब कुछ होने वाला है। कौन-कौन से गाने पर डांस करने वाले हैं? जी वो तो जो गाने बजा देंगे हम, एक बार वो क्या है, मूड आ जाता है तो फिर हम शुरू हो जाते हैं। जी, What do you want to say regarding that? Ji, I want to thank each and every one of you because whoever has watched the show and appreciated the work, not only me but also all the other characters on the show. So it feels nice when you guys have watched season 1 and season 2 and now also season 3. So I hope that you guys are liking it. Please continue to do so. Please continue to watch so because there's lots of fun, lots of masti coming your way. Cheers. Last one question. Yeah. The trailer already launched. Did you like that trailer? Yeah, of course. I mean, ट्रेलर किस चीज़ का? अच्छा, ओके, ट्रेलर सुना नहीं, मैंने नहीं देखा। कब हुआ, आया? अच्छा, भाई नो आइडिया, अभी फिलहाल तो नहीं। I have been away from everything right now. मैं बाहर था, यहाँ नहीं था। ओके, चलो, थैंक यू। You start. It's his birthday, Palach's birthday, और हम चाहते हैं कि वो जिस तरीके से है लाइफ में और आगे बढ़े एंड बहुत सारी सक्सेस मिले जैसे मिलती आ रही है उन्हें भी, उनकी बहन को भी। सो आई होप लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहे पलाश। मैं तो इतना ही शेयर करना चाहूँगी that I know Palak since a very स्टार्टिंग स्टेज ऑफ अ करियर। सो हम दोनों मिले थे विमेन अचीवर्स अवार्ड पे। सो जब मैंने जाना कि पलक इतनी टैलेंटेड सिंगर होने के बावजूद बहुत ही अच्छी, शी इज़ अ वेरी गुड पर्सन, वेरी ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग एंड नॉट जस्ट हर। जब मुझे पता चला पलाश भी है और मेरी दोस्ती हुई पलाश से, मैंने जाना कि वो भी कितना टैलेंटेड म्यूज़िक कंपोज़र है। एंड नाउ आफ्टर ईयर्स मैंने देखा दोनों भाई बहन काफ़ी सक्सेसफुल है एंड इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग। उनके मम्मी पापा इतने ग्राउंड टू और सिंपल हैं, सो इट्स रियली नाइस टू नो देम एंड उन लोग हमेशा अप्रिशिएट करते आए हैं। सो उनकी खुशी में मुझे यू नो सेलिब्रेट करना, इट्स अ प्राइड फॉर मी एंड आई एम ऑनर्ड कि आई एम इन्वाइटेड टू द पार्टी टुडे एंड आई विश ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द होल फैमिली। मे दे प्रोग्रेस। मैं तो वेट कर रही हूँ कि कब डांस स्टार्ट करेंगे सब लोग। उनका एंड डिस्कसिंग कि हमने कभी भी मिला है, हमने हमेशा ऑडिशंस या बहुत शॉर्ट मुलाकात होती है हमारी। हाय फैजल, बस झांसी की रानी, महाराणा प्रताप, ऐसे झांसी की रानी और महाराणा प्रताप हमेशा मिलते हैं। फाइनली आज पलाश की बर्थडे पार्टी, आई होप हम बहुत सारा डांस करेंगे एंड पलाश मुझे कुछ सिखाएगा बिकॉज आई एम नॉट दैट गुड ऑफ अ डांसर। आई विल डोंट वरी। यस, सो इट्स रियली नाइस। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, तुम जियो हजारों साल ये मेरी ये आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू पलाश, हैप्पी बर्थडे टू यू पलाश, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। सबको इफेक्ट पड़ता है, पूरे देश को जड़ से लेकर ऊपर तक, आखिरी पत्ते। हमारे भी देश में तो डोंट वरी, मैं साइकिल से आई हूँ बट आई सपोर्ट माई गवर्नमेंट, दैट्स ऑल आई वांट टू से। या मैं तो प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम हुआ है, हमेशा होता है ऊपर या नीचे। तो अगर अभी बड़े हैं तो आपको उतने देना है, अदरवाइज़ मैं ज़्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा भी यूज़ कर लेता हूँ कभी कभी, और नॉर्मली मैं साइकिल से निकल जाता हूँ क्योंकि मैंने साइकिल ले ली है एक, जो सामान सर की है बीन ह्यूमन। तो सिर्फ रेस दो स्टंट्स और भाग दौड़, हम लोग तो महाराणा प्रताप है और मैं झांसी के घोड़े से आता है, तो पेट्रोल भी वेस्ट नहीं होता है, यू डोंट वरी अबाउट दैट। बट अदरवाइज स्पीकिंग एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री मुझे ऐसा लगता है कि मैं पर्सनली ऐसा फील करती हूँ कि कुछ चेंजेस जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं एंड इट्स अ रिक्वायरमेंट फॉर द करंट सिचुएशन, तो होगा एंड आई सपोर्ट. जरूर कुछ होगा, जल्द ही पेट्रोल के प्राइसेस कम भी हो जाएंगे. हाँ हाँ, फर्स्ट टाइम जैसे मूवी होती है ना, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, वैसे मेरा सलमान सर की मूवी के लिए फर्स्ट ट्रेलर के लिए फर्स्ट मैं पहले देख ही लेता हूँ. बताना चाहिए उन्होंने एक्शन किया है तो बताने कैसे लगा? सी आई लव एक्शन बिकॉज मैंने महाराणा प्रताप किया हुआ है, तो आई नो कितना उसमें एफर्ट होता है. एंड अगर वहाँ पर सलमान सर होते हैं तो वो एक्शन यू नो स्टाइल के साथ और सारे डायलॉग्स के साथ बहुत ही यूनिक होता है. इस बार तो बहुत न्यू गन्स लिए, मतलब बहुत ऐसा लग रहा है फास्ट एंड फ्यूरियस टाइप का ट्रेलर है. सो आई लव द ट्रेलर यार, मैं एक्साइटेड हूँ मूवी के लिए. इंशाल्लाह अगर मिलेगा मौका तो ज़रूर. I'm a very big fan of Salman Khan, but sorry मैंने Race 3 का नहीं देखा है. क्या आप बात कर रही हो? I know, मैं सीधा मूवी देखना चाहती हूँ. अभी चल के देखना. Who doesn't watch teasers or trailers? सलमान भाई का नाम ही काफी है. And I just go directly to the first one. Welcome, Rama. Okay. कितने excited है और अंदर जाके क्या surprise देने वाले हैं? हम लोग आए हैं, यही सरप्राइज है कि हम लोग आ गए. कम एंड वी आर सो हैप्पी फॉर हिम बिकॉज पलाश इज एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड young boy yaar. Hum log we are all this very young team and we're very young people who are doing such good work and it's always nice to be there for each other, so it's always good. Cool. Yes. Kis tarah ke bonding share karti hai aap Palash ke sath aur kaise memories hai? Kaise memories hai? haan ji, to abhi recently humne ek song shoot kiya hai, fans nahi friends, and great experience, very talented guy and wishing him a very happy birthday. Yes. विकास, आपकी तरफ से कोई गाना अगर आप डेडिकेट करना चाहें, आप दोनों मिलके पलाश के लिए? यार अगर हम गाना गाएंगे ना तो पलाश हमें पार्टी से निकाल देगा बिकॉज पलाश इज सच एन अमेजिंग म्यूजिक डायरेक्टर. वो केवल अच्छे गले वाले लोगों को गाने का मौका देता है. बहुत गाता हूँ 12 महीने आज आपको. अरे क्या बात कर रहे हो तुम, प्लीज सिंग. नीति से गवाएंगे हम लोग. नो प्लीज डोंट. साथ में करें तीनों मिलकर गाना गाएंगे. हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पलाश, हैप्पी बर्थडे टू यू. ये देखो यार, अब तो बर्थडे का मतलब क्या होता है? बर्थडे का मतलब भी सेलिब्रेशन होता है, और अगर बर्थडे में सेलिब्रेशन नहीं होगा तो कहाँ पर सेलिब्रेशन होगा? दैट्स द मोस्ट अमेजिंग पार्ट. यह तो पलाश के गानों पे नाच रहे होंगे हम लोग मोस्टली बिकॉज आज उसका दिन है. And he's given some amazing songs, so it will be very interesting to do that. अच्छा, आप दोनों से जानना चाहेंगे Race 3 का ट्रेलर जो है ट्रेंडिंग में है, क्या कहना चाहेंगे? यार अगर सलमान सर की पिक्चर का ट्रेलर ट्रेंडिंग पे नहीं होगा तो क्या किसकी फिल्म का प्ले होगा ट्रेलर ट्रेंडिंग में? इट्स ऑब्वियसली वेरी क्लियर, इट इज सपोज टू बी हिज फिल्म एंड वी ऑल विल वॉच इट एंड वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड अबाउट इट बिकॉज फिल्मी है ना. फिल्में देखी इसलिए जाती हैं ताकि आप इंटरटेन हो सको, इतना सीरियसनेस नहीं हो लाइफ में. तो सलमान सर की फिल्में होती हैं, कभी कुछ अच्छा सिखाती हैं, कभी कुछ हंसाते हैं, कभी बहुत इंटरटेन करती हैं. सो इट्स ऑलवेज नाइस. अबाउट आप बताएं रेस के ट्रेलर के बारे में. आई एम एक्साइटेड, वेरी एक्साइटेड. सलमान खान फैन. यस. एंड हैव यू सीन जैकलीन डूइंग दैट? Oh my god, she's hot. Yeah, she's very hot. देखो लड़कियां भी बोल रही हैं होते हो. Whatever. अच्छा आप बताइए. मेरे पापा और मम्मी पे बड़ा फर्क अफेक्ट पड़ता रहा होगा, मुझे 100% मालूम है. बट आई थिंक दैट अगर पेट्रोल के प्राइस बढ़ेंगे तो डीजल वाली गाड़ियाँ ज़्यादा बिकेंगी. फिर अगर डीजल का भी प्राइस बढ़ चुका है, इतना बढ़ते कहाँ से कहाँ पहुँच गए, तो CNG लोग खरीदेंगे, फिर CNG बढ़ाएंगे वो लोग. तो ये तो ऐसे ये ऊपर नीचे चलता रहेगा. इसमें वी आर नो वंस टू से एनीथिंग, वी आर नॉर्मल पब्लिक. वी विल हैव टू जस्ट लिव बाय व्हाट यू गिव टेल अस एंड व्हाट वी हैव टू गो बाय. नथिंग जो उन्होंने बोला वही. नहीं नीति बता तू पेट्रोल के क्या फर्क पड़ेगा? नहीं. थैंक यू. क्योंकि बहुत टैलेंटेड म्यूजिशियन है पलाश और मुझे बड़ी खुशी है, मेरे छोटे भाई जैसा है. एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई कुड मेक इट एंड आई कुड कम ऑन हिज बर्थडे एंड आई विश हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे. तो आज के मौके पर कोई गाना है जो डेडिकेट करना है अगर पलाश? हाँ, ओ चल कुड़िया नी चल हो तैयार, देसी दारू इंग्लिश बार, छोटे छोटे पैग मार बेबी, छोटे छोटे पैग मार, छोटे छोटे पैग मार बेबी, छोटे छोटे पैग मार. थैंक यू। अपकमिंग प्रोजेक्ट मैं भी डिस्क्लोज नहीं कर सकता अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं, लेकिन इस साल 6 और रिलीजेस हैं मेरे, तो 4-5 सिंगल्स हैं, 6-7 बॉलीवुड सॉन्ग्स हैं और एक और वैसे गाना सुना देता हूँ जो मेरा पलक के साथ ही था। उन्हीं मिनी मियाँ को झुका के रख ले, गोरे गोरे गालों को छुपा के रख ले, ऐवें करीना की ऐवें करीना की ओ ऐवें करीना किसे दे नाल प्यार, मुंडियां तो बच के रही नी तू हुणे हुणे होई मुटियार, मुंडियां तो बच के रही। थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है कि एक गाना हो जाए उसके लिए बर्थडे नहीं, वो मुझे पार्टी से बाहर फेंक देगा तो मैं गाऊंगी। ओके, आपका शो काफ़ी आपको अप्रिशिएट करते हैं आपके साथ, उसको आप क्या कहना चाहिए उसके दिल तक? मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे दिल से उनके दिल तक के तार भी बहुत कनेक्शन में जुड़े हुए हैं। सो वट एवर आई डू मैं बहुत सोच समझ के करती हूँ एंड ये भी जो एक शो था वो मेरे दिल के बहुत करीब था, बिकॉज एज एन एक्टर मैं हमेशा अपने आप को दूसरे और अलग अलग किरदार में देखना चाहती हूँ। सो दिस वॉज वन ऑफ माई फेवरेट किरदार विच आई हैव। काफ़ी सुंदर आप दिख रही हैं, आपके ड्रेस के बारे में जानना चाहूँगा। आई वुड से थैंक यू सो मच, क्योंकि मैं बहुत थकी हूँ, मैं ट्रैवलिंग करके मैं बहुत चुपचाप जायू में नायगांव में घूमने गई थी, तो मैं टायर्ड, पर थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। ओके, एक समर टिप हो जाए आपके पास? समर टिप, प्लीज़ कीप हैविंग वाटर, बिकॉज बहुत गर्मी होती है, स्किन में इश्यूज होते हैं एंड मुंबई का पानी बहुत खतरनाक होता है, बाल झड़ जाते हैं। सो आई थिंक यू शुड कीप सिपिंग वाटर आफ्टर एवरी 10 मिनट्स। ओके, आखिरी सवाल है, रेस 3 का ट्रेलर लॉन्च? नहीं, मैं ट्रैवल कर रही थी, आई वाज इन लद्दाख, बट लॉट ऑफ पीपल सेड दैट जैकलिन इज लुकिंग सुपर हॉट एंड आई वुड वांट टू वॉच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो मच। आई थिंक समर है तो कोई भी चाहेगा कि वैसे ही कपड़े पहने जिसमें आप कंफर्टेबल हो। सो मैंने शर्ट और डेनिम की रफ रगिड वाली स्कर्ट डाली है एंड विच इज़ वेरी नॉर्मल एक्चुअली। तो या थैंक यू सो मच। इसके अलावा पेट्रोल का प्राइस भी बढ़